गाइज वेलकम टू माई चैनल नौशीन खान। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी नौशीन381। सो आज मैं आप सबके साथ लैक्मी 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट फाउंडेशन का रिव्यू मतलब शेड गाइड करने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि कौन सा शेड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये सारे शेड्स आपको सब जगह ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे इजीली। कोई कोई शेड्स ऐसे होते हैं जो नहीं मिल पाते, बाकी सब मिल जाएंगे। तो इसमें 16 शेड्स है जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं, आई थिंक और भी जगह होंगे। सो वार्म, नेचुरल, न्यूट्रल और कूल टोन्स है जो इसको डिफाइन करेंगे पूरे शेड्स को। कि कूल में आता है पिंक रेड टोन्स, येलो न्यूट्रल में आता है बैलेंस ऑफ येलो एंड पिंक टोन्स, वार्म में आता है येलो गोल्डन एंड टोन्स। तो ये सारे जो अंडरटोन्स है आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपका जो अंडरटोन है उसके हिसाब से आप ये फाउंडेशन कैसे ले सकते हैं। 16 शेड्स है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कोई उल्टा पुल्टा शेड ना आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट टू मीडियम शेड के, जिसमें है N200 न्यूट्रल न्यूड, N220 न्यूट्रल मीडियम, N260 न्यूट्रल हनी। ये जो शेड है ये लाइट टू मीडियम स्किन टोन वालों के लिए है जिनकी स्किन लाइट टू मीडियम अंडरटोन्स होती हैं। अब बात करते हैं मीडियम टू डस्क स्किन वालों के लिए, जिसमें है N340 न्यूट्रल आमंड। डस्क स्किन के लिए, अब स्पेशली डस्क स्किन के लिए है N360 न्यूट्रल चेस्टनट। अब बात करते हैं लाइट टू मीडियम अंडरटोन्स जो है वार्म केयर क्रीम, वार्म सैंड, वार्म न्यूट्रल। ये जो है अंडरटोन्स ये लाइट टू मीडियम अंडरटोन्स के लिए है। ऊपर में मैंने बताया लाइट टू मीडियम अंडरटोन्स के लिए और नीचे में मैंने बताया लाइट टू मीडियम अंडरटोन्स के लिए। अब बात करते हैं फिर से मीडियम टू डस्क अंडरटोन्स के लिए, वार्म बेज, वार्म कैरेमल, ये भी मीडियम टू डस्क स्किन के लिए है। अब बात करते हैं लाइट स्किन वालों के लिए, जिसमें है कूल टैन, कूल सिनेमन। एंड अब बात करते हैं मीडियम टू डस्की जो है कूल वॉलनट एंड कूल कोकाओ। सो ये जो शेड्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ये पूरा 16 शेड्स है। अब मैं आपको बात करती हूँ कैसे देख सकते हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर मैंने दोनों दिखाया है। अब आपको आराम से समझ में आएगा कि कौन सा अंडरटोन आपके लिए है। नीचे पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा अंडरटोन्स के लिए है ये सारे शेड्स। शेड्स के नाम नीचे मेंशन है, बिफ़ोर एंड आफ्टर भी है। आपको आराम से समझ में आएगा कि कौन सा शेड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अब मुझे ये कमेंट्स नहीं आने चाहिए गाइस कि पिक्चर्स फोटोशॉप्ड होते हैं। मैंने पहले सेलिब्रिटीज़ के पिक्चर्स के साथ मैंने बनाया था, बट उन लोगों ने कहा कि सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स फोटोशॉप होती है, बट ये पिक्चर कोई फोटोशॉप नहीं है। ये आराम से आपको समझ में आएगा कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आफ्टर में आपको दिख रहा होगा और फाउंडेशन विदाउट अप्लाइंग, जब फाउंडेशन नहीं लगा हुआ है तब कैसा है बिफ़ोर में, वो आपको भी दिख रहा होगा। तो ये इससे आपको आराम से समझ में आएगा कि कौन सा शेड आपके लिए बेटर है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपको आराम से अपने अपने शेड्स मैं बता दे रही हूँ, आपको आराम से ले लेना है विदाउट एनी टेंशन। आप जाओ ऑनलाइन ऑफलाइन या लोकल मार्केट स्टोर से, आप कहीं से भी ले सकते हैं अपने लिए अपना परफेक्ट शेड। यहाँ पे मैंने पूरे जो 16 शेड्स है सारे के सारे मैंने दिखाए हैं और बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर कीजिएगा। बाय गाइज।